आजकल 2024 की रणनीति को लेकर बीजेपी अपना गोलबंदी मजदूर या हर व्यक्ति के संवाद से उसको करने को तैयार है। आज हमारे साथ हैं विधायक जी के अपने भाई लक्ष्मण जी, पहले तो आपका स्वागत करेंगे। कैसे हैं? ये संकल्प यात्रा हम लोग को बागमारा में शक्ति परिसर है और हमारा विधायक जी छोटे भाई जो बागमारा में काम करते हैं, आज तक हमारा लाइफ में मेरा एज उम्र 50 वर्ष हो रहा है, लाइफ में हम अपने भाई की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन पूरा पब्लिक जनता प्रशंसा करते हैं। जो काम हम लोग करते हैं आज तक कोई नहीं किया था। आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त है ना? पूरा फूल प्राप्त रहेगा। क्या चाहेंगे बागमारा की जनता के लिए, वो क्या काम करें? अच्छा काम करें और जनता के लिए काम करिए रहे और करेंगे भी और दुख सुख में साथ रहता बराबर। कितना लोग को जीवन दान दिया ये प्रत्यक्ष गवाह है, इलाहाबाद में जनता जान रही है। अच्छा, वर्तमान में मजदूरों की राजनीति आप करते हैं, क्या लगता है कि BCCL के द्वारा वाकई मजदूरों का शोषण हो रहा है? शोषण हो रहा था, लेकिन अब जब से हमारा पकमारा पे ढुलू मत यूनियन में आया तब से शोषण कुछ बंद हुआ है और जो बचा हुआ हम लोग उसको समाप्त करेंगे। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, विस्थापन की नीति को लेकर आप लोग भी बहुत गोलबंद हैं और हमेशा BCCL का खिलाफ में आप लोग आवाज़ उठाते हैं, धरातल पे कब उतरेगा? विस्थापित हम लोग कहें, विस्थापित नीति का फिर हम लोग पुरजोर BCCL विरोध करेंगे, यहाँ तक कोलंडिया लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एक मजदूर के नेता के रूप में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आता है? सबसे बड़ी नजर मजदूर को शोषण मान लीजिए, ऑफिस दफ्तर जाता है तो BCCL का अधिकारी लोग उसको दूसरा का भगा देता है, जबकि मजदूर से बात नहीं करता है और अभी भी भ्रष्टाचारी को CMD चाहे GM पर बढ़ावा दे रहा है। अभी लग रहा है वर्तमान में जो हेमंत जी की सरकार है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नीचे हुआ है? सरकार में आज तक ऐसा लाइफ में हम ऐसा जैसे चोरी हुआ, देश का उद्योग, सरकार का उद्योग, पब्लिक संपत्ति तो चोरी कराई आज तक नहीं हुआ था, जो पहली बार हम देखने आ रहा है मेरा लाइफ में की देख रहे चोरी हुआ पूरा। क्या लग रहा 2024 में आपकी सरकार वापस सरकार वापस आएगी? क्या घोषणा और मन में आश्वासन है आम जनता खासकर बागमारा के? हो सकता बागमारा जनता और से ज्यादा बड़ा काम जितना से दे सके करेंगे जरूर। एक और अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या लगता है कि बागमारा विधायक में फिर 2024 में अगर आते हैं तो एक पुरजोर परिवर्तन यहाँ दिखेगा या गोलबंदी ही केवल इसको समझे? जितना परिवर्तन था उससे दोगुना परिवर्तन हम लोग प्रयास करेंगे हो और करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मजदूर नेता के साथ। एक चीज़ और कह रहे हैं कि बागमारा विधायक के द्वारा जो भी आज तक काम किया गया, एक बड़े भाई के नाते हैं, मेरा उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बस एक है, जो भी समस्या है उसको हम धरातल पर लाकर उसको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।